क्यूट डायरिया। इसको समराइज कर लेते हैं कि अगर एक दिन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड्स हों सॉफ्ट स्टूल की या एक वाटरी स्टूल, तो उसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज इसका रोटा वायरस है। जब भी डायरिया होता है तो डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से स्किन में कुछ चेंजेस आती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, पल्स वीक, फॉन्टनेल और आइज संकन या डिप्रेस, और किडनीज के यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। IMNCI ने डायरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सिवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, जब भी डायरिया का पेशेंट आता है उसमें डिहाइड्रेशन होती है, तो मदर से कुछ क्वेश्चंस पूछने और कुछ फिजिशियन ने खुद चेक करना है, जनरल अपेयरेंस देखनी है, आइस देखनी है कि वो संकन तो नहीं है, और उस बच्चे को पानी देना है। अगर तो वो पीना शुरू हो जाए, मतलब कि वो बहुत प्यासा है, इसका मतलब कि सम डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर बच्चा पानी ना पिए तो फिर इसका मतलब कि उसमें सिवियर डिहाइड्रेशन है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। इसके अलावा स्किन पिंच से भी हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। अगर स्लोली वापस जा रहा है इट मीन्स के सम डिहाइड्रेशन है, और अगर वेरी स्लोली वापस जा रहा है इट मीन्स सिवियर डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन में ट्रीटमेंट प्लान ए देंगे, उसमें एक्स्ट्रा फ्लूड्स देंगे, ब्रेस्ट फीड और मदर को काउंसल करेंगे कि उसने वापस कब आना है। सम डिहाइड्रेशन में चाइल्ड इरिटेबल होता है, आई संकन, बहुत प्यासा और स्किन पिंच स्लोली वापस जाता है, और इसमें हम फ्लूड्स देंगे। ट्रीटमेंट प्लान बी के अकॉर्डिंगली फ्लूड्स देंगे फर्स्ट 4 आवर्स में, और उसके बाद चाइल्ड को रीअसेस करके फर्दर क्लासीफाई करके ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। उसी तरह से ब्रेस्ट फीड करवाएंगे और उसको मदर को फॉलो अप के लिए काउंसल करेंगे कि 5 दिन के बाद आपने फॉलो अप के लिए आना है। एंड देन सवेयर डिहाइड्रेशन में चाइल्ड अनकॉन्शियस होता है, ड्रिंक नहीं ले रहा होता, मतलब फीड नहीं ले रहा होता, और स्किन पिंच बहुत स्लोली वापस जाता है। इसमें ट्रीटमेंट प्लान सी देंगे, एक तो जो फ्लूड लॉस हो चुका है उसके लिए फ्लूड डेफिसिट देंगे 100 ml रिंगर लैक्टेट। किस तरह से देना है, कितने आवर्स में देना है, अगर 12 महीने से छोटा बच्चा है तो 6 आवर्स में देना है। फर्स्ट 30 ml हाफ आवर, 1 आवर में, 1 घंटे में, और नेक्स्ट 70 ml 5 आवर्स में देना है। और अगर बड़ा बच्चा है तो उसके अंदर 3 घंटे के अंदर ये 100 ml रिंगर लैक्टेट IV के थ्रू देना है। उसके बाद मेंटेनेंस फ्लूड देंगे 100 ml डेक्स्ट्रोज वाटर, और कंक्रंट लॉस, ये तो था जो फ्लूड लॉस हो चुका है, अब जो साथ साथ वॉमिटिंग डायरिया में लॉस हो रहा है उसके लिए कंक्रंट लॉस के लिए 25 to 50 ml पर kg फ्लूड देंगे। तो टोटल 1 kg चाइल्ड के लिए 250 ml पर kg देंगे फर्स्ट डे पे, और इस तरह जितना वेट बच्चे का बढ़ता जाएगा हर kg वेट के लिए 250 ml पर kg फ्लूड देंगे।